उत्तर भारत के अधिकतर जिले आज बाढ़ की चपेट में हैं। आसमान से बरस रही आफत के चलते शहर के शहर डूबे पड़े हैं, जिस कारण ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं और इस कारण फल सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों के मुकाबले अब सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। सबसे चर्चा में बना हुआ टमाटर भी अब रंग बदलने लगा है और दोहरे शतक के बजाय अब 100 रुपये के भाव में बिकने लगा है। 15 दिनों बाद एक बार फिर से रोहतक की सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम गिरने लगे हैं। 200 रुपये में बिकने वाला टमाटर अब 100 से 150 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं अगर बात करें अन्य सब्जियों की तो उनके दामों में भी भारी गिरावट आई है। 100 रुपये जी, क्या कम हुआ है टमाटर? हाँ, कम हो गया जी, 150-200 तक चला गया था, कम हो गया। टमाटर नो तो पहला था तो महंगा आया, 150 रुपये किलो, कोई 100 भी दे रहा है, 80 भी देता पाओ कबाड़ टमाटर पर, वो बढ़िया वाला है, 150 रुपये किलो। सब्जी मंडी में अगर बैंगन, तोरी, लौकी जैसे सब्जियों के भाव की बात करें तो वो 40 से 50 रुपए किलो बिक रही हैं। भिंडी भी अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो मिल रही है। और सब्जी तो टमाटर और क्या भाव है, घिया भी है 40-50 रुपए, तो घट गई है कीमत। अब वो बढ़िया वाली नहीं घट गया है, असली जो चीज़ है ना वो नहीं घट रहा है। तो आने वाले टाइम में बारिश होती है तो घटेंगे या बढ़ेंगे? बारिश होगी तो बढ़ेंगे रेट, घटे थोड़ी है। राजेश, ये आम कितने रुपए किलो अभी बिक रहा है आचार्य? ये 250 रुपये दड़ी से लेके 300 रुपये दर तक। और कितने का खरीदते हैं? यही 50-52 रुपये हमारे को पड़ता है। अभी क्या सस्ता हुआ है, महंगा हुआ है? पहले टाइम से तो सस्ता ही है, नहीं तो पिछली बार तो 500-600 तक चला गया था। लहसुन है जी 120 रुपये किलो, मिर्ची भी 120 है, नींबू है 60 रुपये किलो, और अदरक 300 रुपये किलो। गर्मी में भी अदरक इतना महंगा क्यों? सीजन कम है जी, सीजन कम है। तो अभी रेट घटेंगे या बढ़ेंगे? पता नहीं, कह नहीं सकते कुछ। पिछले 10 दिनों में एक ही रेट था, एक करें देखें। लेकिन अगर वहीं बात मंडी से अलग सब्जी की दुकानों की करें तो उनमें आज भी दाम आसमान छू रहे हैं। लौकी और तराई जैसी सब्जियां 80 से 100 रुपए किलो में बिक रही हैं, तो वहीं बैंगन ने भी शतक लगा दिया है। भिंडी भी 100 से 120 रुपए तक बिक रही है। वहीं मटर तो 280 रुपए किलो बेचा जा रहा है और हरा धनिया 400 के पार है। मंडी के सब्जी विक्रेताओं की माने तो टमाटर और लौकी जब 10 रुपए किलो हुआ करते थे तो उनकी इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन जैसे ही सब्जियों के भाव बढ़े लौकी और टमाटर को लोग चाव से खाने लगे। माना जा रहा है कि कुछ दुकान संचालक सब्जी के दामों का फायदा उठा रहे हैं और मंडी में सब्जी सस्ती होने के बावजूद भी दुकानों में सब्जियां पहले के भाव में ही बिक रही हैं, जिससे लोगों की रसोई पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और इधर फटाफट अच्छा बिक रहा है, हमारा बलगना 10 रुपये किलो बिकता भी नहीं था, एक नग नहीं बिकता था, अब 20 नग बिक जाते हैं। तो मतलब जब सब्जियां सस्ती थी तो लोग खाते थे? हाँ, नहीं खाते नहीं थे, हम कहते हैं टमाटर 10 रुपये, कहते गला हुआ है, खराब हुआ है, कीड़ा ले लो 10, बच्चे नहीं खाते हैं, हम कहते थे सब कुछ खाएगा तेज हो जाएगा, अब सब खाने लग गए। जब एक करेट टमाटर की नहीं बिकती थी, 5 नहीं बिकती थी, 30 करेट बिक जाती है। तो महंगा हुआ है तो ज़्यादा बिक रहा है? और ज़्यादा खाते हैं महंगे में। उत्तर भारत के कई राज्य आज बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें हरियाणा के भी कई ज़िले शामिल हैं। विक्रेताओं की माने तो अधिक बारिश होने के कारण खेतों से सब्जी नहीं निकल पा रही है, साथ ही जगह जगह रास्ते बंद होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। विक्रेताओं का कहना है कि आने वाले समय में अगर अधिक बारिश होती है तो सब्जियों के दामों में उछाल आना संभव है। सस्ती होंगी, महंगी थोड़ी है, तो बारिश की वजह थोड़ी है सब्जी, तब जैसे अब देख के महंगा सामान सब जमींदार बो देंगे, अब कह रहे हम टमाटर बोएंगे, सब बो देंगे, अब फिर आप मंदी हो जाएगी। अभी क्या पीछे से माल नहीं आ रहा है यार? हाँ, पीछे माल है, ये देखो सड़ा पड़ा सारा माल, क्या करेगा, आधा माल सड़ जाता है,